नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल स्मार्ट जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए 25 प्लस क्वेश्चन, जो पॉइंट ऑफ व्यू उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल स्मार्ट जी के ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए वेल बटन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखें और देखने के बाद आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएँ, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न वाले वीडियो डालते रहें। तो आइए दोस्तों हम चलते हैं, हमारा पहला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन है 13.5%, दूसरा ऑप्शन है 9.4%, तीसरा ऑप्शन है 8.4% और चौथा ऑप्शन है 7.3%। तो दोस्तों जो हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है वह है ऑप्शन नंबर 4, 7.3%। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा दोस्त ये है कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान मथुरा के आसपास के क्षेत्रों को कहा जाता था। तो दोस्तों हमारे पास पहला ऑप्शन है पंचाल, दूसरा ऑप्शन है अंग, तीसरा ऑप्शन है सूरसेन और चौथा ऑप्शन है मत्स्य। तो दोस्तों जो मथुरा के आसपास के क्षेत्र है उसको सूरसेन के नाम से जाना जाता था, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो दोस्तों हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान में यूनियन शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों हम देखते हैं हमारा ऑप्शन क्या है। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है USA, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है कनाडा और चौथा ऑप्शन है आयरलैंड। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो यूनियन शब्द है वो कनाडा के संविधान से लिया गया है। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ मैं और बता दूँ आप लोगों के लिए कि जो USA है, USA के संविधान से भी जो है कि मौलिक कर्तव्य को लिया गया है और आयरलैंड के संविधान से भी नीति निर्देशक तत्वों को लिया गया है। तो दोस्तों ये भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्त हमारा अगला प्रश्न ये है कि मनीला किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है फिलीपींस, दूसरा ऑप्शन है चिली, तीसरा ऑप्शन है लेबनान और चौथा ऑप्शन है जॉर्डन। तो दोस्तों जो हमारा बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, फिलीपींस। दोस्तों यहाँ एक चीज़ और बता दूं जो आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि मनीला में जो है कि अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र भी है, जो परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। दोस्तों अगला प्रश्न ये है कि विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन ये है हमारा 15 मई, दूसरा ऑप्शन है 26 मई, तीसरा ऑप्शन है 27 मई और चौथा ऑप्शन है 23 मई। तो दोस्तों विश्व जैव विविधता दिवस जो है कि 23 मई को मनाया जाता है, जो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये है कि निक्की किस देश की स्टॉक एक्सचेंज है। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है हमारे पास सिंगापुर, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है USA और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। तो दोस्तों जापान की ही जो है कि निक्की स्टॉक एक्सचेंज है, जो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। दोस्तों यहाँ एक चीज़ और बता दूं मैं कि USA में भी एक स्टॉक एक्सचेंज है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका नाम है डाउन जोन्स, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्त हमारा अगला प्रश्न ये है कि हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर बहने वाली नदी का नाम है। दोस्तों हमारा ऑप्शन ये है, गंगा, दूसरा ऑप्शन है यमुना, तीसरा ऑप्शन है रामगंगा और चौथा ऑप्शन है शारदा नदी। तो दोस्तों जो हमारा दूसरा ऑप्शन है यमुना बिल्कुल सही ऑप्शन है, जो हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सीमा पर है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये है कि किस नदी को काली नदी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन ये है यमुना नदी, दूसरा ऑप्शन है गंगा नदी, तीसरा ऑप्शन है शारदा नदी और चौथा ऑप्शन है रामगंगा नदी। तो दोस्तों जो काली नदी के नाम से जाना जाता है वो है शारदा नदी, ऑप्शन 3 बिल्कुल सही ऑप्शन है। दोस्तों आइए देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये है कि निम्न में से कौन सी नदी पर्वत से ना निकलकर मैदानी क्षेत्र से निकलती है।
तो दोस्त हमारे पास पहला ऑप्शन है गोमती नदी, दूसरा ऑप्शन है गंगा नदी, तीसरा ऑप्शन है राप्ती नदी और चौथा ऑप्शन है गंडक नदी। तो दोस्तों जो है कि जो पहला ऑप्शन है हमारा गोमती नदी, वो मैदानी क्षेत्र से निकलती है। दोस्त हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्त हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्त हमारा अगला प्रश्न ये है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले से यूरेनियम की प्राप्ति होती है। दोस्त एक ही जिला है उत्तर प्रदेश में जहाँ से यूरेनियम की प्राप्ति होती है। तो दोस्त हमारा पहला ऑप्शन है झांसी, दूसरा ऑप्शन है महोबा, तीसरा ऑप्शन है ललितपुर, चौथा ऑप्शन है कानपुर। तो दोस्तों हमारा जो ऑप्शन 3 है ललितपुर बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो दोस्त केवल यूरेनियम की प्राप्ति ललितपुर से होती है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये है कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान की संख्या कितनी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, तो ऑप्शन 2 हमारा बिल्कुल सही है। जो दुधवा नेशनल पार्क है वो हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, जो उत्तर प्रदेश का एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। तो दोस्तों देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न ये है दोस्त कि कैमूर जीव अभयारण्य किस जिले में स्थापित है। तो दोस्त हमारा पहला ऑप्शन है सोनभद्र, दूसरा ऑप्शन है झांसी, तीसरा ऑप्शन है वाराणसी, चौथा ऑप्शन है सीतापुर। तो दोस्त हमारा जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सोनभद्र, वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्रश्न है वो है तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछली बार भी पुलिस के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों जो हमारा ऑप्शन है आप लोगों के सामने वो है ज्वार, अरहर, मसूर, चना। तो दोस्तों जो तूर दाल है उसको अरहर के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये है कि राष्ट्रपति द्वारा किसकी नियुक्ति नहीं की जाती है। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है महान्यायवादी, तीसरा ऑप्शन है महाधिवक्ता और चौथा ऑप्शन है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि राज्यपाल, महान्यायवादी, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जबकि किसी भी राज्य के राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। तो दोस्तों ऑप्शन 3 हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो दोस्तों देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये है कि जीएसटी काउंसिल में सदस्यों की संख्या कितनी है। दोस्त ये देखिए ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान से देखिए। और हमारे पास ऑप्शन है 33, दूसरा ऑप्शन है 36, तीसरा ऑप्शन है 38 और चौथा ऑप्शन है 32। तो दोस्तों जो है कि जीएसटी परिषद में 33 सदस्यों की टीम है वो। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा ये है कि भारतीय जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या क्या है। दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन ये है यूएसए, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है कनाडा और चौथा ऑप्शन है ब्रिटेन। तो दोस्तों जो भारतीय जीएसटी है वो कनाडा की जीएसटी के मॉडल पर आधारित है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो दोस्त हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये है कि जीएसटी संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है 280A, दूसरा ऑप्शन है 276 ख, तीसरा ऑप्शन है 279AA और चौथा ऑप्शन है हमारा 279A। तो हमारा जो बिल्कुल सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 4, 279A। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये है कि एमएसपी में एस का मतलब है। तो दोस्तों हमारे पास ऑप्शन है सपोर्ट, स्मॉल, साइज और शॉर्ट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एमएसपी होता क्या है। तो दोस्त एमएसपी जो होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है, ठीक है। केवल बगानी फसल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी फसलों पे एमएसपी मूल्य ही जारी होता है जो सीएसीपी के द्वारा होता है। तो एमएसपी में जो एस का मतलब है वो है सपोर्ट, जो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न ये है दोस्त कि संगीत में ख्याल का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्त हमारे पास ऑप्शन है हुसैन शाह सरकी, दूसरा ऑप्शन है इब्राहिम शाह सरकी, तीसरा ऑप्शन है मान सिंह और चौथा ऑप्शन है सभी। तो दोस्तों जो संगीत में ख्याल के जनक हैं वो हैं हुसैन शाह सरकी। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्त हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। दोस्त हमारा अगला प्रश्न ये है कि जौनपुर का अटाला मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों हमारे पास पहला ऑप्शन है हुसैन शाह सरकी, दूसरा ऑप्शन है इब्राहिम शाह सरकी,
तीसरा ऑप्शन है बलवन और चौथा ऑप्शन है हुमायूं। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा ऑप्शन है इब्राहिम शाह सरकी, जिसने अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया। तो बिल्कुल दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। हमारा अगला प्रश्न ये है दोस्त कि बाजार नियंत्रण की प्रणाली किसने चलाई। तो दोस्तों हमारे पास पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा ऑप्शन है बलवन और चौथा ऑप्शन है फिरोज खिलजी। तो दोस्तों हमारा जो दूसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण की प्रणाली को चलाई थी। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये है कि उदयपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किस हिंदू शासक ने करवाया। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है गोपाल, दूसरा ऑप्शन है बलवंत, तीसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त, चौथा ऑप्शन है कुमारगुप्त। तो दोस्तों उदयपुरी विश्वविद्यालय जो बिहार में है उसकी स्थापना गोपाल ने करवाया। तो दोस्तों अगला प्रश्न हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो दोस्तों हमारा अगला प्रश्न ये है कि कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही बार पेपरों में पूछा जा चुका है। तो दोस्तों हम इसमें ऑप्शन देखते हैं कि हमारा ऑप्शन क्या क्या है। तो दोस्तों हमारा पहला ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, दूसरा ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब, तीसरा ऑप्शन है जॉर्ज यूल और चौथा ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो दोस्तों कांग्रेस की जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो है व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी हैं। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे जो चौथा अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, चौथे अधिवेशन का अध्यक्ष जो रहे हैं वो है जॉर्ज यूल। तो दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न दोस्त ये है कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी जनजाति तराई क्षेत्र में निवास करती है। तो दोस्तों हमारे पास पहला ऑप्शन है थारू, दूसरा है संथाल, तीसरा जो है गोंड है और चौथा है उरांव। तो दोस्तों जो थारू जनजाति है वो तराई क्षेत्र में निवास करती है। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।